Hello everyone, in this video I want to show you how to insert query in SQLite database in Python. कैसे हम लोग SQLite database में query को insert कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। इसके कितने step हो सकते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले दिखा दूँ मैं जो हमारा SQLite database वो कैसे है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे SQLite database में already मैंने student one student two नाम को मैंने क्या किया database create किया हुआ है। मुझे क्या करना है, student one में जो डाटा है उसको इंसर्ट करना है। इसमें क्या क्या है, नेम है, क्लास है, ईमेल है, और इसमें भी देख रहे हैं हमारा नेम ईमेल क्लास है। तो आप कोई भी किसी में क्या कर सकते इंसर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट में मैं कुछ डाटा को स्टोर करूं, तो कैसे इसको मैं इंसर्ट करूंगा वो दिखा रहा हूं आपको मैं। तो करना क्या, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इस SQLite को, क्योंकि SQLite ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट होता है, बट इसको आपको इंपोर्ट करना जरूरी होता है। तो यहां पे आऊंगा मैं, इंपोर्ट करूं किसको, हमारा जो पहला स्टेप होता है SQLite को इंपोर्ट करना। दूसरा हमारा होता है कि इसको कनेक्शन बनाना। कैसे कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं यहां पे आऊंगा, एक वेरिएबल लूंगा मैं कान नाम का, ठीक है, कान आपको भी ले लीजिए। मैं कान वेरिएबल लिया, थोड़ा शॉर्ट रहेगा। और जो SQLite 3 है उसके साथ मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, किसके पास, SQLite 3 के साथ। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा SQLite डाटाबेस जो भी आपने बनाया होगा फाइल। इसे मैंने ऑलरेडी फाइल बनाया हूँ, तो मैं इसको क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या कनेक्शन बन गया है। अब मुझे क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करना है। कौन सा डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमारा टेबल अभी दिखाया हूं मैं, इस टेबल में कौन सा डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या क्या हमारा है, आईडी या नेम है, क्लास ईमेल है। मैं चाहता हूं सिर्फ नेम क्लास ईमेल को ही इंसर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे जो क्वेरी वो लिखूंगा। तो मान लीजिए मैं INS नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, ट्रिपल कर दिया हमारा जो हमारा इन्वर्टर कॉमा होता है, ताकि इसके अंदर मैं बहुत सारे डाटा लिख सकूँ मल्टीपल लाइन में। तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्वेरी लिखूँगा। क्वेरी क्या लिखूँगा, यहाँ पर क्वेरी का जो तरीका होता है वो लिखा होता है इंसर्ट, लिखना पड़ेगा इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट। और आप किस में इंसर्ट करना चाहते हैं, इनटू किस में इंसर्ट करना चाहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कहें, इंसर्ट इनटू किस टेबल में करना चाहते हैं, तो हमारे पास कई टेबल आते हैं। मैं आपको क्या करूँगा, स्टूडेंट वन नाम का जो मेरा टेबल है उसमें क्या करना है, मुझे डाटा इंसर्ट करना है। और उसमें क्या क्या है आप जानते हैं, उसमें ID भी, नेम भी, क्लास भी है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ नेम, तो यहाँ पर आऊँगा स्टूडेंट नेम, और फिर मैं कमा कर दूंगा। और फिर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट का ST मतलब स्टूडेंट होता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ईमेल, और फिर मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्लास भी इंसर्ट हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट का जो हमारा ईमेल है वो भी हमारा क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है, ये करना है। अब ये आपने क्या किया, एक क्वेरी लिख दी। अब इसमें क्या वैल्यू क्या देना चाहते हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा। मैं वैल्यूज के अंदर आया और इसके अंदर मैं क्या किया, इसे मान लीजिए इस क्वेरी के अंदर यहाँ पे जो भी चीज पास करेंगे वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसे मान लीजिए इसके अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे इसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड का नाम दे दिया अनुज, ठीक है। और यहाँ पे ये पहला काम कर दिया। दूसरा आपने क्या काम किया, किया क्लास का नाम लिखना चाहते हैं। मान लीजिए इसको, मान लीजिए पढ़ता है वो 12वीं, मतलब कि 12th, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको इन्वर्टर कॉमा के अंदर ही लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना आपको एरर मिलेगा। इसके अंदर आएंगे और 12th मुझे क्या करना लिखना है, ठीक है, ये भी मैंने काम कर दिया। तीसरा आपको क्या करना, ईमेल लिखना है। तो मान लीजिए ईमेल को भी इसी के अंदर लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर ही। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे अनुज मैंने लिख दिया, और यहाँ पर लिखिए 25@ मान लीजिए लिख दिया gmail.com, ठीक है, gmail, और यहाँ पर लिख दिया .com, ठीक है। ये मैंने कहा कि एक बना दिया डाटा, ठीक है, अनुज 12th हो गया हमारा, 25@gmail.com हो गया हमारा, तीन फाइल बन गया, तीन जो हमारा डाटा बन गया, एक हमारा नेम हो गया, एक हमारा क्लास हो गया, एक हमारा ईमेल हो गया। आप और चाहे तो डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ डेमो को ले लिया हूँ। और फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट अपने इंसर्ट का आपने काम किया, खत्म कर दिया। आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपका जो काम होगा वो नेक्स्ट है, वो है कि हमको इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने का जो तरीका होता है वो यह होता है कि आपको जो भी जो कनेक्शन बनाया है वेरिएबल का वो लीजिए और डाट करिए एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, किसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमारा अभी बनाया है उसको किसको बनाया है, हम इंसर्ट और जो INS वेरिएबल बनाया है उसको आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है। आप आपका क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन जब भी आप कभी भी डाटा में अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो आपको यहाँ पे कमिट का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, कॉन डॉट कमिट का भी प्रयोग करना जरूरी होता है। यहाँ पे कॉन डॉट कमिट, यहाँ पे आएंगे और कमिट कर देंगे, ये हमारा काम हो गया। अब करना क्या, इसी बार जब भी आप कनेक्शन बना देंगे तो इस कनेक्शन को, जैसे मैंने बचाओ कमिट करना था, छठवा हमारा क्या था, कनेक्शन को क्लोज करना है। छठवा जो कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं जो कनेक्शन है वेरिएबल बनाऊँ कॉन और डॉट क्या करूँगा, क्लोज कर दूँगा बस। यहाँ पे आऊँगा कॉन डॉट क्लोज। अब देखेंगे जब मैं इसको रन करूँगा तो जो हमारा टेबल है, अगर एरर आएगा तो टेबल में कुछ ना कुछ एरर आएगा, वरना क्या हो जाएगा, हमारा जाकर टेबल में क्रिएट हो चुका रहेगा। इसमें इसको रन कर रहा हूँ, देखिए हमारा जो टेबल है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही है, मतलब मैं इसमें कहीं गलत नहीं किया, वरना मुझे एरर मिलता है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ वहाँ पर डाटा बेस में, देखता हूँ कि क्या गलत तो नहीं है। यहाँ पर जाऊँगा मैं, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मैं टेबल बनाया हूँ स्टूडेंट वन नाम का, मैं जाऊँगा यहाँ पे जो ओपन डाटा बेस है हमारा, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ब्राउज करूँगा यहाँ पर, देखेंगे तो देखिए हमारा आ गया अनुज नाम का हमारा जो डाटा बेस है हमारा आ गया अनुज, क्योंकि मैंने पहले से भी ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर किया हुआ अनुज
जो नवनी नाम का, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ आपको थोड़ा चेंज करने के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इलेवंथ कर दिया, ठीक है, इलेवंथ कर दिया, और यहाँ पर अनुज मान लीजिए वन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है, मैं इसको आऊँगा यहाँ पर रन करूँगा, तो ये अनुज वन नाम का देखिए अभी मेरा एरर नहीं है। मैं चलता हूँ ऊपर देखता हूँ यहाँ पर क्या आया है कि नहीं आया, मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा, और देखिए अब हमारा आ गया अनुज वन नाम का डाटा आ गया, इलेवंथ में पढ़ता है, फिर हम अनुज 25 जो हमारा ईमेल हो गई आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाटा शो हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा शो होगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाटा क्या हो जाएगा शो हो जाएगा। तो यह होता तरीका आपको, और भी आप नाम जैसे मान लीजिए मैं एक और अपने फ्रेंड का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, और भी इसको इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे इंसर्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे क्या करूँगा, मान लीजिए मैं लिख दिया अभी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँ उसका ईमेल का जो नेम है वो मैं चाहता हूँ चेंज कर दूँ, ठीक है अभी, और यहाँ पे 25 कुछ भी कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, जो भी चेंज करेंगे वो डर क्या वहाँ अपडेट हो जाएगा जा करके। जैसे अब देखिए मैं इसको चेंज कर दिया, हो गया, अब जाऊँगा डाटा बेस वहाँ पर जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो अभी नाम का जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाए आ जाए। जैसे ब्राउज डाटा किया मैं, देखिए हम अभी नाम का हमारा आ गया, इलेवंथ आ गया, अभी 2254@gmail.com का हमारा आ गया। इससे क्या कर सकते हैं आप आसानी से डाटा को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करने का तरीका यही होता है। तो बाकी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।